क्या महिलाओं को एक से ज्यादा पति हो सकते हैं? तो इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। काफी सालों से ऐसा चलता आ रहा था कि भाई एक पुरुष है, उसको अनेक पत्नियां हैं, स्त्री है। मतलब पुराने जमाने में हमारे जो राजे महाराजे या सरदार थे, उनके उनके पास में काफ़ी उनकी क्वींस थी, रानियां थी, कि भाई ये पट्टर रानी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब नंबर एक की है, नंबर दो की है, नंबर मतलब इस तरह का था। और पुरुष शादियां ज़्यादा कर सकता था। अभी भी कोई धर्म में शादी मतलब ज़्यादा शादी करने के लिए, एक से ज़्यादा पत्नी रहने के लिए अभी भी मान्यता है, और समाज में मान्यता है कि भाई ज़्यादा पत्नियाँ रह सकती है एक से ज़्यादा। हमारे देश में भी लोग एक से ज़्यादा पत्नी करते हैं, मगर वो अनऑफिशियल करते हैं। कैसे कि पहली पत्नी है, ऑफिशियल है, उसको बच्चा नहीं हुआ, अभी उनको बच्चा चाहिए है, तो फिर क्या कर दी कि वो जो पत्नी है उसकी कोई सिस्टर वगैरह, कोई रिलेटिव है, गरीब घर की है, चलो वो आने को तैयार है, फिर उसको मंदिर में उसके आदमी शादी कर लेते, उसको भी लाते हैं, और फिर उससे बच्चे होते हैं। तो बच्चे के लिए फिर सेकंड मैरिज करते हैं, और वो पहली वाली अलाउ करते हैं, उसको मालूम है कि अपने नहीं हो रहा है, फिर सेकंड कर लो भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, मगर ऐसा वो अनऑफिशियल है। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो दुनिया में खलबल मची हुई है वो इसलिए है कि अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अभी, वहाँ का एक तो क्या है कि साउथ अफ्रीका का बहुत उदार मतवादी है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर भी देश नहीं है, मगर उदार मतवादी देश है। वहाँ एक पुरुष को अनेक पत्नियां करने का अधिकार है, वो ज़्यादा शादी कर सकता है, एक से पत्नी ज़्यादा पत्नी उसको रह सकती है। वहाँ लड़की लड़की शादी कर सकती है, लेस्बियंस, लड़के लड़के शादी कर सकती है, गे, और सब अधिकार उनको दिए हुए हैं। अभी दक्षिण अफ्रीकन गवर्नमेंट ने ही अभी एक कायदा संसद में रखा हुआ है, और वो ये है कि एक स्त्री अनेक पति कर सकती है, बहुपतित्व कायदा, मतलब एक स्त्री को यदि ज़्यादा पति करने का है तो वो कर सकती है, ऐसा कायदा। तो वो अधिकार अभी स्त्रियों को देने का चल रहा है, और उसके लिए उन्होंने रूल लाया हुआ है, उसूल लाया हुआ है, एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन लाया हुआ है, और वो उनके संसद में पास होने वाला है। अभी ये कैसा संभव है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको बहुत विरोध किया है, साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। अफ्रीकन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता है केनेथ मेशो, तो उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं, ये तो कोई किसी को मान्य होगा नहीं, और हम ये मान्य करेंगे नहीं, ये चलेगा नहीं, ये अफ्रीकन संस्कृति में मान्य नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। इस्लामिक अल जमा पार्टी के नेता जो है गनीफ हेंड्रिक्स, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही उसूल के खिलाफ है, ये किसी को मान्य होगा नहीं, और ऐसा यदि रहा तो ये बच्चा जो होने वाला है वो किसका बच्चा है, उसके लिए DNA टेस्ट करनी पड़ेगी, और ये किसी को मान्य होगा नहीं, और काफ़ी लोग इसको विरोध करेंगे, अफ्रीका में मान्य होगा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है। बहुपतित्व का संशोधन करने वाले जो कोलिस मक्को को है, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति नहीं है, और इसमें मान्य होने वाला नहीं, मगर भी गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो अभी देखते हैं कि क्या क्या होगा आगे चल के। तो ये बहुत ही दुनिया में खलबल मची हुई है, और एक नया ही आयाम अभी ये स्त्री पुरुष रिलेशनशिप में शादी की संस्था विवाह संस्था जो है उसको छेद देने वाला भी ये कार्यक्रम है। क्या है कि वैसा भी अभी प्रॉब्लम हुआ है कि लड़कियां कम होते जा रही है हमारे देश में, अभी तो ऐसा हो रहा है कि लड़की मिलना ही मुश्किल हो गया, लोग तो अभी बस लड़की मिल गई तो अपना भाग्य समझते हैं, मतलब इस तरह का हमारे देश में भी चालू है कि चलो लड़की तो है कम से कम, चलो मिल गई लड़की ना, अपने जात पात की नहीं तो भी चलता है, लड़की है चलो शादी कर लो। पहले था कि नहीं नहीं हमारी जात की होना, हमारा वो जो और जो सब जात होंगी पोट जात उसकी भी होना, मतलब बहुत चॉइसेस थे, और काफ़ी सारी लड़कियां देखते थे, 20-25 लड़कियां देखने के बाद में पसंद करते थे। अभी तो उल्टा हो गया, अभी लड़कियां लड़के देखते हैं, क्योंकि लड़कियां कम हुई तो उनको चॉइस है किसको, तभी ये स्पीड से लड़कियों का यदि कम हो गया पॉपुलेशन, और लड़के का कम पॉपुलेशन हो गया, फिर हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि भाई एक लड़की है और उसको दो दो तीन तीन हस्बैंड है, क्योंकि लड़कियां ही कम है, स्त्री कम है तो करेंगे क्या, तो ऐसी नौबत आना नहीं चाहिए करके हमारे देश में। तो वैसा भी काफ़ी जन जागृति हो रही है, लड़की हो या लड़का हो ये समान है, ऐसी जन जागृति हो रही है, और काफ़ी एजुकेशन होने के बाद में शायद ऐसा टाइम हमारे देश में आएगा नहीं। इसमें आपकी क्या राय है ये आप डाल सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर आपकी राय डालो ताकि जन जागृति हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।